मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव रविवार शाम तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 26 मई की रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तटों पर दस्तक दे सकता है। इस तूफान को रिमल कहा जा रहा है। रिमल, जिसका अरबी भाषा में अर्थ है रेत, उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के लिए क्षेत्रीय नामकरण प्रणाली को मानते हुए यह नाम ओमान द्वारा दिया गया है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मॉनसून चक्रवात है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यह 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो 26-27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय जिलों में अत्यधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 27-28 मई को अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। तूफान के दस्तक देने के समय समुद्र में 1.5 से लेकर 2 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को 27 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। चक्रवात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किया गया है ताकि कोई इस चक्रवात रिमल के चपेट में न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।